रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के वरदायिनी मॉडल शॉप पर वेटर की हत्या में शामिल अभियुक्तों के घर पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा कर मुनादी करवाई, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि 30 अक्टूबर को कुछ युवकों ने मिलकर वरदायिनी मॉडल शॉप पर मारपीट में एक वेटर की हत्या कर दिया था, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको देखते हुए वांछित अभियुक्त रत्नेश सिंह पुत्र कुंवर अजय प्रताप सिंह निवासी श्रवण नगर कॉलोनी सिंह थाना कैंट जनपद गोरखपुर स्थायी बता डुमरी मलाव थाना हाटा जनपद कुशीनगर, दूसरा सुजीत पासवान पुत्र राम कैलाश पासवान निवासी जंगल चौरी वनसप्ती थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, तीसरा रवि पासवान पुत्र जंगली पासवान निवासी जंगल सिकरी सुबा बाजार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, चौथा संतोष यादव पुत्र राम आश्रय यादव निवासी कालेसर थाना गीडा जनपद गोरखपुर के घर जा करके न्यायालय का नोटिस चस्पा किया गया और यह डुगडुगी के माध्यम से सभी लोगों को बताया गया कि एक महीने के भीतर अभी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे या तो न्यायालय में सरेंडर कर दे, नहीं तो उनके मकान की कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर रामगढ़ताल के वरिष्ठ उपनिरीक्षक एस के शर्मा, आजाद चौक चौकी प्रभारी विशाल उपाध्याय, आजाद नगर चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अक्टूबर 2021 में गोरखपुर के तारामंडल स्थित वरदायिनी मॉडल शॉप में अभियुक्त रत्नेश सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी डुमरी मलाव थाना हाटा जनपद कुशीनगर ने अपने साथियों के साथ मिलकर जघन्य तरीके से एक वेटर की हत्या कर दी थी। हत्या के पश्चात अभियुक्त रत्नेश सिंह अभी तक फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा NBW व 82 की कार्यवाही की गई है। यदि नियत समय पर यह अभियुक्त हाजिर नहीं होता है तो अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए संपत्ति जब्ती की जाएगी।